हेलो दोस्तों, वणक्कम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त अंकित आया हूं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें आप देखेंगे नॉर्मली बाथरूम के अंदर WC में अगर वाटर लीकेज होता है तो हम उसको कैसे रिपेयर करते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक बाथरूम में, जहाँ पर हमारे सर्विस टेक्नीशियन तारिक आपको बताएंगे कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। हेलो तारिक, आज आप हमें क्या बताने वाले हैं? आज हम आपको WC में जो वाटर लीकेज होती है उसको कैसे रिपेयर करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तारिक है, मैं वेगा में मास्टर टेक्नीशियन हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नया वीडियो वेगा कंसील सिस्टम रिपेयर के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम खड़े हैं एक बाथरूम में जहाँ पर ये WC में लीकेज हो रही है। इस लीकेज को किस तरह रिपेयर करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। आइए फ्लश प्लेट को खोलते हैं। फ्लश प्लेट को खोलने के लिए सबसे पहले इसके बटन को बाहर के निकालेंगे और इस बटन को भी, उसके बाद इसका पिन सेट बाहर निकालेंगे, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रू को खोलेंगे। ट्रांसपेरेंट पैनल को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इसमें इस येलो कलर के लॉक को लेफ्ट साइड में घुमाएंगे, उसके बाद इस पैनल को पकड़ के बाहर करेंगे। यहाँ पर ये मैकेनिज्म लगा है इसमें और ये ड्रेन वाल्व खोलने के लिए इसमें कुछ इमेजेस बनी हैं और एक कंपनी का QR कोड है। सबसे पहले हम वाटर सप्लाई को ऑफ करेंगे। वाटर सप्लाई को ऑफ करने के लिए बॉल वाल के लीवर को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएंगे। अब हम इसके ड्रेन वाल को खोलेंगे। ड्रेन वाल को खोलने के लिए इस येलो कलर की क्लिप को आगे की तरफ झुकाएंगे और ड्रेन वाल को ऊपर उठाएंगे और सीधे हाथ की तरफ टेढ़ा करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकलने के बाद इसमें ये फुल फ्लश को एडजस्ट कर सकते हैं, हाफ फ्लश को एडजस्ट कर सकते हैं और ये इसका सील वाशर है जिसमें कभी हार्डनेस या कोई कचरा जम जाता है तो उसको क्लीन कर सकते हैं। चलिए अब हम ड्रेन वाल की शीट को निकालते हैं जो कि इजीली निकल जाती है। इसमें यहाँ पर ओरिंग होती है और इस एरिया में अगर कभी स्केलिंग या कोई कचरा जम जाता है तो उसको क्लीन कर सकते हैं। फिलिंग वाल को खोलेंगे। फिल वाल को खोलने के लिए इस येलो लॉक को आगे की तरफ खींचेंगे, उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे और टेढ़ा करके फिल वाल को बाहर लाएंगे। ये फिलिंग वाल है, यहाँ पर एक ये एल्बो लगी हुई है और इस एरिया में इसका डायफ्राम वाशर है जिसमें कचरा आया हुआ है। अभी हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं। ये हमारा फिलिंग वाल है। इस फिलिंग वाल का डायफ्राम वाशर खोलने के लिए हम इसके इस लॉक को हटाएंगे। इसको हटाने के लिए इसको हल्का सा नीचे पुश करेंगे। ये डायफ्राम वाशर के ऊपर एक लॉक होता है। इस लॉक को खोलने के लिए हमें नोज प्लायर का यूज़ करना है। अगर नोज प्लायर का यूज़ नहीं करते हैं तो ये ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से लीकेज बढ़ जाती है। इसको खोलने के लिए हमें एक नोज प्लायर की मदद लेनी है। इस नोज प्लायर को इन होल्स में लगाना है। इसको लेफ्ट में घुमाएंगे और बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये इसके अंदर डायफ्राम वाशर है जिसके अंदर काफ़ी सारा कचरा आया हुआ है ओवरहेड टैंक से, जिसकी वजह से ये लीकेज इसमें हो रही है। इसको हम क्लीनिंग करेंगे और इस वाशर को दोबारा फिट करेंगे। आइए इसको क्लीन करते हैं। इस फिल वाल को क्लीन करने के लिए हम
इसमें से ये कचरा निकला है। इसको पानी की मदद से इसको क्लीन करेंगे। अब ये क्लीन हो गया है पूरा, के बाद इस वाशर को क्लीन करेंगे। और देख सकते हैं ये साफ हो गया पूरा। इसको हम खोल के भी दिखा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी हमने फिलिंग वाल का डायफ्राम वाशर क्लीन किया है। अब हम इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे। फिक्स करने से पहले आप इसमें देखेंगे यहाँ पर एक ये छोटा सा लॉक होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना है और इसको इस स्लॉट में फिक्स करना है। फिक्स करते टाइम आप देखेंगे इसका और इसका ये टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए, ये अपनी जगह बैठना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अब वाशर लग गया है। वाशर लगने के बाद अब हम इसके ऊपर एक इसका लॉक लगाएंगे। ये डायफ्राम वाशर का लॉक है। इसको लगाने के लिए पहले हम इसको हल्का सा डायरेक्शन में घुमाकर लगाएंगे और इसको लॉक करने के लिए हम नोज प्लायर का यूज़ करेंगे। इसको लॉक करने के लिए नोज प्लायर को दोनों होल्स में लगाएंगे और राइट साइड में घुमाएंगे। ये लॉक हो गया है। इस लॉक को हमने लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम फ्लूड का इस लॉक को लगाएंगे। इस लॉक को लगाने के लिए इसमें इसको पुश करेंगे यहाँ पर और इसको चेक करेंगे ये प्रॉपर लगा है कि नहीं। अब हम इस फिल वाल को जो हमने क्लीन किया है उसको अब हम सिस्टम में फिक्स करेंगे। आइए इसको लगाते हैं। फिल वाल को लगाने से पहले इसके अंदर जो ये बॉल वाल लगा हुआ है यहाँ से हम गंदे पानी को ड्रेन करेंगे। अब हम इसको बंद करेंगे। इस फिल वाल को इसके अंदर लगाएंगे। लगाने के लिए आप फिल वाल को हल्का सा टेढ़ा करेंगे, एल्बो के मुंह को इधर घुमाएंगे और इस फिल वाल को अंदर ले जाएंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये येलो वाला लॉक बाहर की साइड है, इसके अंदर इस एल्बो को डालेंगे और इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद ये हमारा फिल वाल लग गया है। अब हम इसमें ड्रेन वाल और ड्रेन वाल की शीट को फिक्स करेंगे। ये ड्रेन वाल की शीट है जो कि क्लीन है, इसमें कोई भी कचरा नहीं है। अब हम इसको सिस्टम की बॉडी में लगाएंगे। अब हम ड्रेन वाल को लगाएंगे जो कि यहाँ से क्लीन है, इसमें कोई भी कचरा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्लॉट हैं ड्रेन वाल के ब्रैकेट के, इसी के अंदर ड्रेन वाल के ब्रैकेट को फिक्स करना है। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। अब हम इस ड्रेन वाल को सिस्टम के अंदर लगाएंगे। सिस्टम के अंदर लगाने से पहले इसके हम येलो क्लिप को आगे की तरफ टेढ़ा करेंगे इसको भी, और यहाँ से ब्रैकेट से पकड़कर सिस्टम की तरफ ले जाएंगे और इसको टेढ़ा करेंगे। टेढ़ा करते टाइम इसको अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद इसको सीधा कर देंगे और नीचे की तरफ पुश करेंगे और बॉडी की साइड इसके ब्रैकेट को लगाकर क्लिप को सीधा कर देंगे। उसके बाद ये प्रॉपर फिट हो जाता है। पैनल को इसमें लगाएंगे। इसमें लगाने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लॉट बना हुआ है। इस स्लॉट में इसको फंसाएंगे और पुश करेंगे और इस लॉक को राइट साइड में घुमाएंगे इसको भी, और ये लग गया है पैनल। अब हम इस फ्लश प्लेट को पैनल में टाइट करेंगे। आइए इसको करते हैं।
फ्लश प्लेट हमारी टाइट हो गई है। अब हम इसमें ये दो पिन सेट को लगाएंगे। इन पिन सेट को लगाने के लिए इसको हम ऐसे स्टेट इसके अंदर पुश करेंगे, इसको लॉक करेंगे। अब हम इसके बटन्स को लॉक करेंगे। अब ये हमारा फ्लश प्लेट कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी हमने फ्लश प्लेट को लगाया और अब हम इसकी लीकेज को चेक करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी पानी का लीकेज सही हो गया है। अब मैं आपको इसको फ्लश करके दिखाते हैं। अब फ्लश होने के बाद इसमें किसी भी तरीके का लीकेज नहीं है। सो थैंक यू तारिक। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज तारिक ने हमें बड़े ही सिंपल स्टेप्स में बताया कि WC में होने वाली वाटर लीकेज को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। भविष्य में भी हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ में। ये वीडियो को आप अपने सभी जानने वालों में, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।